हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी पर्सनल फेवरेट रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद है। ये है टमाटर की बहुत ही डिलिशियस, थोड़ी सी चटपटी सी, खट्टी थोड़ी तीखी चटनी, जिसे आप आराम से स्टोर करके 6-7 महीने तक एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक सी ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 3 किलो टमाटर, जिसको अच्छे से धोकर रख लिया मैंने। टमाटर जो मैंने इस्तेमाल करे हैं, ज़्यादातर वो कोशिश करिए कि लाल अच्छे पल्पी टमाटर ले सकें हम, कुछ इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा कलर आए जिससे कि चटनी में। और साथ साथ गूदा यानी कि पल्प जब टमाटरों में अच्छा होता है तो इस रेसिपी में चटनी ज़्यादा अमाउंट में निकल कर आती है। तो अच्छे सख्त टमाटर हैं ये, बिल्कुल पके हुए नहीं लिए हैं और अच्छे लाल हैं और साथ साथ काफ़ी पल्पी हैं। तो इस तरीके के टमाटर चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए, जो मैंने लिए हैं 3 किलो। अब मैंने एक बड़े से पैन में, इस तरीके का आप वेसल ले सकते हैं कोई भी, जिसमें 3 किलो टमाटर आ जाए। पानी इतना होना चाहिए कि टमाटर सारे डूब जाएँ। पानी को अच्छा गर्म कर लिया है मैंने और उसके बाद ये टमाटर इसमें डाल दिए। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस टमाटरों को उबालना है, पकाना है, जब तक कि इसकी स्किन जो है बिल्कुल उतरने लायक नहीं हो जाती, टमाटर अच्छे सॉफ्ट नहीं हो जाते। ढक्कन ढक दिया है मैंने, इसको उबलने देंगे कम से कम 15-20 मिनट तक, जब तक कि अच्छी तरीके से टमाटर भी पक नहीं जाते और स्किन जो है वो अलग नहीं होने लग जाती टमाटर से, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिए और एक छन्नी की मदद से इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे, ताकि आराम से फिर हम इसकी स्किन को पील ऑफ कर सकें, यानी कि छिलका जो है उसको उतार सकें। तो ये सब टमाटर निकाल कर मैंने हल्के ठंडे कर लिए और अब मैं स्किन को इसकी पील ऑफ कर रही हूँ, इस तरीके से छिलका लेते जाएँ और उतार दें। तो बस इसी तरीके से सारे टमाटर हमको तैयार कर लेने। तो टमाटर आपने जब देखा होगा, जब मैंने इसको उबलने के लिए रखा तो मैंने इसके बीच का जो डंठल वाला पोर्शन है, जहाँ से स्टेम होता है, ये वाला पोर्शन जो सेंटर में है, वो मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि उसको हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इवेंचुअली हम आगे इसको मैश करने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं कि टमाटर कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सारे टमाटरों का छिलका हटा लिया है मैंने और बस अब हमें एक मैशर लेना है और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मैश करते जाना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मैश करते टाइम, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमें इसको पका कर बिल्कुल सुखा लेना है पानी को, तो उसमें जो है टमाटर अपने आप सॉफ्ट होते जाते हैं और बिल्कुल घुल जाते हैं, घुट जाते हैं। तो इस टाइम पर बस आपको इसको इतना मैश करना है कि बिल्कुल कोई भी मोटा सा लंप वाला पोर्शन ना दिखाई दे। तो ये सारे टमाटर हमने बिल्कुल मैश करके तैयार कर लिए और अब इसको वापस जिसमें हमने उबाला था उसी पैन में, उसी वेसल में हम चढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं लाल टमाटर का इस्तेमाल करने से अभी ही बिल्कुल बस हमने उबाला ही ये टमाटरों को और अभी भी कितनी लाल दिख रही है ये, जो मैश करके हमने तैयार करी है। और अब हम इसको आगे पकाएंगे तो इसका रंग और बढ़िया हो जाएगा। तो बस इसको आप चढ़ा देना है गैस पर, फ्लेम रखें मीडियम और लगातार चलाते हुए इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस टाइम जब आप इसका पानी सुखाएंगे, और जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है उसका 1/4 बस ये रह जाएगा तब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो अभी बस हमारा काम क्या है कि इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पानी सुखाते जाएं। चम्मच चलाना ज़रूरी है ताकि टमाटर बिल्कुल नीचे ना लगे, क्योंकि टमाटर में काफ़ी पल्प भी है तो इसलिए नीचे लग सकता है वो, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका पानी सुखाते टाइम। तो बस आप देख सकते हैं पकाते जाना है इसको, आधा हो चुका है ये, मैंने काफ़ी देर इसको पका लिया है। इसमें करीब करीब 40-45 मिनट लग जाएंगे आपको पूरा पानी सुखाने में, मीडियम फ्लेम पे रख के इसको। बस ध्यान ये रखना है कि लगातार आप इसके ऊपर एक बार चम्मच चलाते रहें और बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम रख के
थोड़ा सा बीच में आप चाहें तो शुरू शुरू में जब पानी इसमें ज़्यादा है तो आप फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं, और जब आप देखें कि पानी हल्का हल्का सूखने लगा है इसका तो फ्लेम को आप मीडियम करके लगातार इसमें चम्मच घुमाते रहें ताकि टमाटो का जो पल्प है वो बिल्कुल नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, इसी तरीके का पल्प हमको चाहिए इस चटनी में जब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। लेकिन हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से पल्प बस हमारे पास रह जाए और वाटर कंटेंट इसका हो जाए बिल्कुल नील। तो पानी बिल्कुल नील हो जाना चाहिए इसमें, ये देख सकते हैं आप, अच्छा एकदम गूदा मिल गया है हमको, टमाटो का पल्प मिल गया है हमको, जिससे ये चटनी बहुत बढ़िया बनती है। तो बस इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। ये देखिए आप बिल्कुल पल्प रह गया और बिल्कुल साइड्स छोड़ने लगा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और एक कढ़ाई में अब चढ़ा दिया मैंने आधा कप तेल, क्योंकि अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, और उसके साथ साथ ही अच्छे 2 चम्मच भर के इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अब हल्का सा भून लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और गैस का फ्लेम जब आप लाल मिर्च डालें तो बिल्कुल धीमा होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसमें 4 चम्मच डालेंगे। अभी मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए और ये 1/4 टीस्पून डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और बिल्कुल धीमी गैस रखनी है ताकि लाल मिर्च जले ना, और उसी टाइम पर बस फटाफट से इसमें जो पल्प है टमाटो का वो डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स, और इसी से आएगा इस टमाटर की चटनी में रंग बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, फटाफट इसलिए डाला ताकि जो लाल मिर्च है वो जले ना, और उसके बाद अब सारा पल्प मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये सारे टमाटो पल्प इसमें डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक और मिक्स कर देते हैं। और इसको अब पकाना है हमको, कितना पकाना है, जब तक कि जो ऑयल है इसमें से सेपरेट ना होने लगे। तो पकाते हुए जब टमाटो का जो पल्प है उसमें ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्योंकि एक तरीके की चटनी है जिसे हम स्टोर करने वाले हैं तो इसमें ऑयल अच्छी क्वांटिटी में आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑयल एक तरीके से स्टोर करने में भी, जैसे आपने देखा होगा अचारों में चटनियों में ज़्यादातर जो पैक्ड मिलती है मार्केट में ऊपर ऑयल होता है काफ़ी, जब आप उसको ओपन करते हैं अचार को किसी भी तरह की चटनी मार्केट से लाते हैं तो वो एक तरीके का प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है और उससे रंग भी बहुत बढ़िया आता है। तो मैं इसमें 1/4 कप ऑयल और डाल रही हूँ और इसके बाद इसको मिक्स करके और पकाएंगे हम। तो ऑयल की क्वांटिटी हमेशा किसी भी तरीके के अचार में चटनियों में जब हम बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इन टोटल 3/4 कप ऑयल इस्तेमाल हुआ है 3 किलो जो टमाटर हमने लिए थे उसके लिए। अब एक और चीज़ इस्तेमाल होती है प्रिजर्व करने के लिए इसको लंबे समय तक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 6-7 महीने तक आप इसको रख के आराम से खा सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम विनेगर, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप वाइट विनेगर। जो विनेगर है उससे बहुत ही बढ़िया सी खटास आती है इस चटनी में, जो असली इसकी जान है, और साथ साथ जो आप लंबे समय तक फ्रिज में इसको रख के स्टोर कर सकते हैं वो है विनेगर की वजह से। तो विनेगर डाल दिया है इसमें, और अब इसको हमें बस सिंपली पकाना है जब तक कि ऑयल जो है इसमें से अलग नहीं होने लग जाता। और जैसे जैसे इसमें ऑयल अलग होने लग जाएगा पकते हुए तो आप देखेंगे इसका रंग जो है और भी अच्छा लाल होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसमें ऑयल सेपरेट हो गया, पूरा ऑयल दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल अब बनकर रेडी है, और इसको मैं अब निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जब आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, ठंडा हो जाएगी ये, तो इसका रंग बहुत बढ़िया लाल आ जाता है, अपने आप ही आपको दिखेगा, और ये तेल भी काफ़ी अमाउंट में छोड़ देगी। तो ये बिल्कुल बढ़िया सी हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे अमाउंट में ये तेल भी छोड़ देती है साइड्स पे, और रंग भी जब आप इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो आप देखेंगे इसका रंग और डार्क हो गया है। तो बस इसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था, और उसके बाद इसको इस तरीके से एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिया है बिल्कुल ठंडा करने के बाद। और बस अब इसको मैं पूरे टाइम इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तो भाई ये है भी बहुत ही फेवरेट, और आप इसको जब इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे तो फिर चाहे इसे आप दाल चावल के साथ खाएं, डोसे के साथ खाएं, सिंपल पराठे पे लगा के खाएं, सैंडविच पे स्प्रेड लगा के खाएं, किसी भी तरीके से आप इस चटनी को खा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी। तो बस देर किस बात की, जल्दी से लाइए बढ़िया से लाल लाल टमाटर और बनाइए डिलीशियस सी चटनी अपने घर में, और आई एम श्योर आप इसको बनाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे।
ट्राई कीजिए ये रेसिपी। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।